मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक नियोनेटल सेप्सिस विद टाइप ऑफ इंफेक्शन। ये भी एक इंफेक्शन का ही टाइप है। नियोनेटल सेप्सिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन ऑफ कॉजिंग मोर्टिलिटी इन नियोनेट्स, यानी जो नियोनेटल सेप्सिस है वो मोर्टिलिटी का मेन कारण होता है नियोनेट्स में। जो हम न्यूनेटल सेप्सिस या इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज एंड ट्रीटमेंट से अर्ली ट्रीटमेंट से और रिकॉग्नाइज से हम रोक सकते हैं। जो न्यूनेटल सेप्सिस में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा इन्फेक्शन को जो बैक्टीरिया है ग्रोथ करते हैं और एक काफ़ी भारी संक्रमण को डेवलप करते हैं। जो सिस्टमेटिक जो बैक्टीरिया है एज ए कॉज ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस, जो कि न्यूनेटल सेप्सिस जैसे कि निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, तो ये न्यूनेटल सेप्सिस होते हैं। इसमें कुछ सिस्टमेटिक बैक्टीरिया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जो होते हैं जिनके कारण से ये हमें ये न्यूनेट्स में डेवलप होता है। अब लेते हैं इसमें डेफिनेशन। डेफिनेशन में ये होगा, न्यूनेटल सेप्सिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली ऑफ न्यू बॉर्न बेबी ए ब्लड स्ट्रीम इंजेक्शन सच एज जैसे निमोनिया, मेनिंजाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो कि न्यूनेटल सेप्सिस को इंडिकेट करते हैं, जिनके कारण से होता है। अब लेते हैं टाइप्स। न्यूनेटल सेप्सिस को दो भागों में बांटा गया है। पहला अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, दूसरा लेट ऑनसेट सेप्सिस। ये जो है यानी आफ्टर द बर्थ 74 आवर्स से पहले ये डेवलप होता है, जिसका मेन रीजन जैसे इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन या एंडोमेट्रियल कॉज या इंट्रायूट्राइन मैटरनल इन्फेक्शन कारण होते हैं। दूसरा होता है लेट ऑनसेट, यानी आफ्टर द 74 आवर्स, यानी मूत्र घंटे के बाद या आफ्टर द फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, 28 डेज तक ये इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। इसका मेन कारण जो होता है वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन में भी डेवलप एज ए न्यूनेटल केयर इनएफिशिएंट होती है, मतलब उचित मात्रा में न्यूनेटल केयर नहीं दी जाती, या जो न्यूनेटल केयर है यूनिट है वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसके द्वारा ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन द्वारा डेवलप हो सकती है। इसमें जो कंडीशन होती है जैसे निमोनिया, मेनिंजाइटिस, जो भी कंडीशन है, तो ये टाइप्स है, टू टाइप्स है। अब लेते हैं हम इसमें आगे, जैसे हम डेफिनेशन और टाइप्स को क्लियर किया, लेते हैं हम आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहला जैसे अर्ली, यानी अर्ली जो 74 आवर्स से पहले, इसमें क्या होता है, इसमें हमें कंडीशन में देखने को मिलता है जैसे कि ये इन्फेक्शन जो है जैसे पेरिनल हाइपोक्सिया, पेरिनेटल हाइपोक्सिया, डिफिकल्टी ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड रिसेप्शन डिफिकल्टीज, जो
लो ऑनसेट सेप्सिस में होता है। दूसरा होता है लेट ऑनसेट सेप्सिस में क्या होता है कि निमोनिया, मेनिंजाइटिस, और सबसे जो बड़ी चीज़ ये है इसमें कि जो इसके साइन सिम्टम हमें ऐसे दिखाई नहीं देते, अब तक इसमें क्या बच्चे की डेथ भी हो सकती है तब भी हम सिम्टम को पहचान नहीं पाते इस लो ऑनसेट सेप्सिस में। और कुछ होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम जैसे कि बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, इसमें मेन कॉज होता है कि सेप्सिसीमिया में या सेप्सिस में टेम्परेचर है जो कभी हाइपोथर्मिक कंडीशन कभी हाइपोथर्मिक कंडीशन रहती है। दूसरा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में रहती है, डायरिया रहता है, लो ब्लड शुगर है यानी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन रहती है, रिड्यूस मूवमेंट्स, रिड्यूस सकलिंग, सीजर्स, कन्वर्जन भी हो सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया, सोलन बेली, वोमिटिंग, येलो स्किन ऑफ द ह्यूमिट्स ऑफ द आई एंड जॉन्डिस, हिमरोजिक राइज, द हार्ट रेट, इसमें क्या होता है हार्ट रेट इज 160 अबव, तो इंडिकेट करती है सेप्सिस को। अभी ये क्लिनिकल क्वेश्चन के बाद हमने देखा कि दो होते हैं लो ऑनसेट पे, हम क्लिनिकल क्वेश्चन हमने देख लिया और इसके जो नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम है उनको भी हमें क्या लेते हैं इटियोलॉजी, जो कारण होते हैं सेप्सिस में वो कौन कौन से कारण होते हैं। तो मोस्ट कॉज ऑफ द बैक्टीरिया इसमें है, पहला बैक्टीरिया दूसरा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तीसरा ई कोलाई जी। ये पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिससे ये सेप्सिस डेवलप होता है बॉडी के अंदर न्यूनेटल में, और अदर कारण भी होते हैं जैसे कि इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन है, प्रीमैच्योर एंड कोलोन रैप्चर है, मेकोनियम स्टेम ड्यूपर रिपीटेड वेजाइनल डिटर्मिनेशन है, इसके हम पिछली क्लास में जब डिस्कस कर चुके हैं, मेटरनल इन्फेक्शन, लैक ऑफ एसेप्टिक प्रैक्टिस है, बर्थ एस्पेक्सिया है, रिसक्सीडेड विदाउट एसेप्टिक टेक्निक अगर यूज करते हैं तो उसकी कम हो सकता है, लोअर वेट एंड इनवेसिव प्रोसीजर जैसे कि मैंने बताया था उसी प्रोसीजर में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर करना जैसे कि कोई सुपरफिशियल इन्फेक्शन में डिनल प्रिक्स करनी है या कोई इंसिजन देना है तो उसमें हम इनवेसिव प्रोसीजर है जो इसमें हम ऐसे ट्रेनिंग यूज करते हैं तब सेप्सिस कंडीशन हो सकती है। दूसरा ये इसमें होता है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्यूजन सेट है, आई वी इन्फ्यूजन है, मास्क जो लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए उसके द्वारा फीडिंग बोटल्स है, कैथेटर है, वेंटिलेटर जो रिफ्यूजन आर्टिकल्स है जो यूज किए जाते हैं यूनिट्स में वो क्लीनिंग्स नहीं होती, उनमें अनक्लीनिंग प्रैक्टिस होती है जिस कारण से ये सेप्सिस वाली कंडीशन हो सकती है। अब लेते हैं इसमें रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर के कारण हो सकता है, जनरली वेल्थ अपीरिंग, पहला है जनरली वेल्थ अपीरिंग यानी कि तो कंडीशन है एकदम सही दिखाई देती है, प्रीवियसली हेल्थी रहता है तो भी इस फैक्टर को इंडिकेट कर सकता है, जैसे कि अगर फुल टर्म बेबी है, नो एंटीबायोटिक कोई पेरेंटली चला है, नो एक्सप्लेन हाइपरबिलिरुबिनिया डेट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, किसी प्रकार कोई ट्रीटमेंट नहीं चला अगर हाइपरबिलिरुबिनिया में रहा है, नो एंटीबायोटिक सीज डिस्चार्ज, नो हॉस्पिटलाइजेशन, नो क्रॉनिक इलनेस डिस्चार्ज एट द सेम टाइम बिफोर द मदर, नो एविडेंस ऑफ स्किन सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट्स ईयर इन्फेक्शन, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो सेप्सिस को कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार कोई ट्रीटमेंट लाना हॉस्पिटल नहीं गए हो या अर्ली डिस्चार्ज कर दिया गया हो मदर्स को, न्यूटर्स को हाइपरबिलिरुबिनिया कंडीशन भी है, एंटीबायोटिक नहीं चालू किए गए या किसी प्रकार कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दिए गए हो, डिस्चार्ज कर दिया गया हो, तो ये कंडीशन रिस्क फैक्टर बनते हैं सेप्सिस के।
ऐसे केस में डायग्नोस्टिक की है, किस प्रकार डायग्नोस करना है, डायग्नोस पहले से ब्लड कल्चर सीबीसी एंड ब्लड सी रिएक्टिव प्रोटीन फर्स्ट जो ईएसआर की कंडीशन आती है उसमें हम चेक करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन तो ये डायग्नोस्टिक जो कंडीशन है जो है जिसमें हम यूरिन सेप्सिस को डायग्नोस कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे तो मैनेजमेंट हम यूरिन सेप्सिस को होने के बाद दो प्रकार से करते हैं, एक तो सपोर्टिव थेरेपी, दूसरा एंटीबायोटिक। सपोर्टिव थेरेपी में क्या होता है, प्रोवाइड वार्म यानी जैसे हाइपोथर्मिया या हाई कंडीशन है उसमें हमें जो है वार्म प्रोवाइड करना है, जो किसी हीट यूनिट के यूनिट के अंदर वार्ड के अंदर हमें उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। दूसरा स्टार्ट आई वी लाइन इन्फ्यूजन नॉर्मल सलाइन की जाती है 10 ml 5 to 10 मिनट और हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए 10% डेक्सट्रोज दी जाती है 10% डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज दी जाती है 2 ml देती है टू प्रिवेंट कंडीशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और विटामिन के दिया जाता है विटामिन के टू प्रिवेंट ऑफ ब्लीडिंग ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इफ द बेबी साइमस तो ब्रोटिक प्रोवाइड ऑक्सीजन और वाई ब्लड और मास्क, अगर साइमस कंडीशन है तो हमें ऑक्सीजन भी देनी है। इफ द बेबी अपनी अगर प्रोवाइड डिजिटल स्टिमुलेशन बैक मास्क वेंटिलेशन की प्रोवाइड, अगर अपनी कंडीशन है तो वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करना है। अवॉइड ओरल फीडिंग्स और फीडिंग नहीं देनी। इफ द बेबी वेरी सिक एंड गिवन इंटरवेनियस फ्लू इन यूनिट की स्टेरिलाइज एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन प्रेस ओवर ब्लड वे भी रिक्वायर्ड, ऐसी कंडीशन भी है इसमें अगर काफ़ी सीरियस कंडीशन है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या बोल ब्लड वे भी ट्रांसफ्यूजन। थर्ड लास्ट थर्ड लेते हैं हम प्रोग्नोसिस, क्या कैसे प्रोग्नोसिस करेंगे सेप्सिस कंडीशन को, सॉरी एंटीबायोटिक सपोर्टिव थेरेपी हुई। अब एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक में और अगर मेनिनजाइटिस कंडीशन है तो एम्पिसिलिन 100 mg दी जाएगी और सेम रहेगा। तो ये एंटीबायोटिक थेरेपी है जो अगर निमोनिया है 50 mg कंडीशन है तो उसको हम 5 to 7 days, अगर मेनिनजाइटिस कंडीशन है तो 3 weeks तक ये एंटीबायोटिक हम कंटिन्यू रखेंगे चालू रखेंगे। तो ये एंटीबायोटिक थेरेपी है यूरिन सेप्सिस कंडीशन में, इसमें दोनों अलग अलग चीज़ बताइए मैंने आपको 50 mg एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन हाई एम देते हैं 5 to 7 days इन निमोनिया एंड मेनिनजाइटिस कंडीशन सेप्सिमिया कंडीशन में, अगर मेनिनजाइटिस कंडीशन है तो 3 weeks दी जाती है और जो एम्पिसिलिन डोज है वो 100 mg हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है। अब देते हैं नेक्स्ट प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस में कैसे करेंगे। डिस्पेक्ट अवेलेबिलिटी द नेवर ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट और 25-30% यूनिट डाई इन केस ऑफ न्यूट्रल सेप्सिस, न्यूट्रल सेप्सिस के सेप्सिस के दौरान 25-30% डेथ बच्चों में हो सकती है। द अर्ली ऑनसेट सेप्सिस ऑफ द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकर नेजोकोमिन इन्फेक्शन ड्यू टू क्लेमसिला एंड सुडोमोनास ओरोजिनासा आर आल्सो एसोसिएटेड विद द एडवर्स आउटकम, अगर हमने अर्ली डायग्नोस किया है सेप्सिस कंडीशन को या बैक्टीरिया को तो हम इस पर
प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबाइल थेरेपी विद द हेल्प ऑफ सेप्सिस स्क्रीन एक्सीलेंट सपोर्टिव केयर क्लोज मॉनिटरिंग आर लाइकली टू इम्प्रूव द आउटकम ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस। अर्ली जो कंडीशन है, जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी है वो चालू करना और हेल्प करना सेप्सिस स्क्रीन में, और सपोर्टिव केयर है या न्यूनेटल केयर है लाइकली टू इम्प्रूव द आउटकम ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दिस इज कम्प्लीट इस टॉपिक ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस, डेफिनेशन, टाइप्स, इंडिकेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस। थैंक यू एवरीवन।